क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसके प्रशंसक पूरी दुनिया में मिल जाते हैं। भारत में क्रिकेट इतना लोकप्रिय है कि 5 साल के बच्चे भी इसके बारे में जानते हैं। आज भारत की क्रिकेट टीमों को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज गर्गवंशी, आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम क्रिकेट के ऐसे खिलाड़ी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो कि इस समय भारतीय टीम का अहम हिस्सा बन चुके हैं। हम बात कर रहे हैं हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या ने बहुत जल्द ही इस खेल में बड़ा नाम कमा लिया है। हार्दिक पांड्या एक हरफन मौला क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जो अपने कमाल की बैटिंग और गेंदबाजी से हर किसी का दिल जीत लेते हैं। आज हम आपको हार्दिक पांड्या के बारे में जन्म से लेकर अब तक के सफर में सब कुछ विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, आपसे विनम्र आग्रह है, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, एक सफल व्यक्ति वह है जो औरों के द्वारा अपने ऊपर फेंके गए ईंटों से एक मजबूत नींव बना सके। और आज हम ऐसे ही व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे जिसने सफलता से पहले काफी संघर्ष किया। और एक कहावत भी है कि संघर्ष ही सफलता की बुनियाद है। दोस्तों, बात करें उनके जन्म की तो हार्दिक पांड्या का जन्म 11 अक्टूबर 1993 को गुजरात के 84 सूरत में हुआ था। उनके पिता का नाम हिमांशु और माता का नाम नल्ली पांड्या है। इनके पिता सूरत में एक छोटे कार वित्त व्यवसाय चलाते थे, जो कि बाद में उन्होंने इस बिजनेस को बंद कर दिया। बाद में वो अपने पूरे परिवार को लेकर बड़ोदरा में आ गए। उनके परिवार में उनके अलावा उनके बड़े भाई कुणाल पांड्या शामिल हैं, जो उन्हीं की तरह ही एक क्रिकेटर हैं। जब ये दोनों भाई छोटे थे, तब उनके पिता अपने दोनों बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने हेतु बड़ोदरा आवश्य। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को एम के विद्यालय में एडमिशन दिलवाया। आई के साथ साथ ही कुणाल और हार्दिक ने किरण मोरे की क्रिकेट अकादमी में क्रिकेट के गुण सीखना शुरू कर दिया। हार्दिक के परिवार की स्थिति आर्थिक रूप से कमजोर थी, इसलिए पांड्या परिवार कोरवा में किराए के मकान में रहते थे। क्रिकेट में ज्यादा रुचि होने के कारण हार्दिक ने केवल 9वीं तक की पढ़ाई की। उनके शुरुआती क्रिकेट के कुछ साल बड़े ही कठिन गुजरे। वह क्लब तक अपने दोस्तों की गाड़ियों पर जाया करते थे। हार्दिक पांड्या ने अपने घरेलू कैरियर की शुरुआत 2013 में बड़ोदरा क्रिकेट टीम के साथ की। उन्होंने 2013-14 में बड़ोदरा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद वह पल भी आया जिसकी हार्दिक को दरकरार थी। हार्दिक पांड्या को 2015 में IPL में खेलने का मौका मिला। उनको मुंबई इंडियंस ने 10 लाख ही बेस प्राइस पर खरीदा था। इस दौरान वह सचिन तेंदुलकर के संपर्क में आए। मुंबई इंडियंस के लिए उन्होंने चेन्नई के खिलाफ धमाकेदार 8 गेंद पर 21 रन की पारी खेली और 6 विकेट भी लिए। मैच के बाद सचिन तेंदुलकर ने यह भी कहा कि अगले 18 महीने के भीतर ही हार्दिक टीम इंडिया के लिए भी खेलते नजर आ जाएंगे। और कुछ हुआ भी ऐसा ही। हार्दिक पांड्या को एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप के लिए चुन लिया गया। जनवरी 2016 को एक बार फिर हार्दिक ने बड़ोदरा की ओर से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हिस्सा लिया। उस दौरान उनकी धुरंधर 46 रन की धमाकेदार पारी यादगार रही, जिसमें उन्होंने 6 छक्के जड़े थे। हार्दिक पांड्या के इंटरनेशनल कैरियर को देखें तो उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत T20 2016 से की। उन्होंने भारत के लिए पहला मैच 27 जनवरी 2016 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल कर किया। इस मैच में हार्दिक ने 2 विकेट लिया। रांची में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे T20 में वह युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी से आगे आए और 14 गेंदों पर 27 रन बनाकर चारा परेरा की हैट्रिक शिकार बन गए। इस दौरान उनकी आलोचना भी काफी हुई। इसके बाद 23 मार्च को बांग्लादेश के खिलाफ पांड्या ने मैच के आखिरी 3 गेंदों में भारत के लिए 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए। भारत ने बांग्लादेश को 1 रन से हराया। हार्दिक पांड्या के T20 में पदार्पण के 8 महीने बाद उन्होंने 16 अक्टूबर 2016 को धर्मशाला में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच खेला। इस मैच में उन्होंने 32 गेंदों में 36 रन बनाने के साथ 3 विकेट भी लिए। इसी के साथ ही हार्दिक पांड्या भारतीय क्रिकेट टीम का एक जरूरी हिस्सा बन गए। दोस्तों, उनके टेस्ट क्रिकेट कैरियर को देखा जाए तो वह 2016 के अंत में हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से टेस्ट क्रिकेट कैरियर में पदार्पण 26 जुलाई 2017 को श्रीलंका के खिलाफ हुआ। इसी सीरीज के तीसरे टेस्ट में हार्दिक ने टेस्ट में अपना पहला शतक भी लगा दिया था। हार्दिक पांड्या अपने करियर की शुरुआत से ही सुर्खियों में बने। उनकी जिंदगी से जुड़ी हर चीजें सोशल मीडिया और पब्लिक न्यूज में वायरल हो जाती हैं। उनके कमाल के हेयर स्टाइल हर किसी को अपनी ओर ध्यान आकर्षित करवा ही देते हैं। हाल ही में अपने भाई कुणाल पांड्या के साथ हुए विवाद के कारण भी वह सुर्खियों में छाए रहे। हार्दिक पांड्या दाएं हाथ के बल्लेबाज और तेज मध्यम में गेंदबाजी करने में माहिर हैं। वह कई बार अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से टीम इंडिया को मैच में जीत दिलाई है। हार्दिक पांड्या का नाम 2021 में फोर्स पत्रिका में भी आ चुका है। अगर उनके कुछ उपलब्धियों को देखें तो हार्दिक पांड्या एक ही मैच में 4 विकेट लेने वाले और 30 रन से अधिक स्कोर बनाने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर हैं। वनडे डेब्यू पर प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने वाले वह चौथे भारतीय हैं।
एक टेस्ट मैच में एक ही ओवर में 26 रन से अधिक मारने वाले वे एकमात्र भारतीय क्रिकेटर हैं। टेस्ट मैच में लंच ब्रेक से पहले शतक पूरा करने वाले भारतीय हैं। 2015 में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच के दौरान 30 बॉल में 61 रन बनाकर अपने बलबूते पर मैच को जिताया। दोस्तों, अगर इनके वैवाहिक जीवन की ओर रुख करें, हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक एक दूसरे को लंबे समय से डेट कर रहे थे। इसके बाद दोनों ने साल 2020 में शादी कर ली। नताशा का जन्म 4 मार्च 1992 को सर्बिया में हुआ था। साल 2020 में हार्दिक की वाइफ नताशा ने एक बेटे को जन्म दिया था, इसका नाम अगस्त्या रखा गया। दोस्तों, अभी हाल ही में हुआ T20 वर्ल्ड कप 2022 में हार्दिक पांड्या ने कई उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने पूरे सीरीज में विराट कोहली के साथ मिलकर कई अच्छी पारियां खेली और सर्वाधिक रन अपने बल्ले से बनाए। T20 वर्ल्ड कप 2022 के खत्म हो जाने के बाद नवंबर 2022 के न्यूजीलैंड दौरे के लिए वह टीम इंडिया के कप्तान भी बने। तो दोस्तों, यह थी कहानी हार्दिक पांड्या के संघर्षों की। वह संघर्षों के दम पर फर्श से अर्श तक के आसमान की बुलंदियों को छूते हुए आज टीम इंडिया में न्यूजीलैंड मैच के लिए कैप्टन नियुक्त किया गया। हमारी यही कामना है कि इसी तरह हार्दिक पांड्या आसमान की बुलंदियों को छुए और भारत तथा भारतीय क्रिकेट टीम का नाम रोशन करें। इसी के साथ ही दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।